यूपी की सियासत में सुभाषपा ने इस वक्त तापमान बेहद ही गर्म कर रखा है। कुछ दिन पहले ब्रजेश पाठक से मिलकर ओपी राजभर ने बीजेपी में जाने के संकेत दे दिए। वहीं ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अपनी ही पार्टी के दो नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। स्टिंग भी उन नेताओं का किया जो सुभाषपा के कटप्पा कहे जाते हैं। जी सही सुन रहे हैं, अरुण राजभर ने यह स्टिंग सुभाषपा के कटप्पा कहे जाने वाले महेंद्र राजभर का किया। दरअसल महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी के कार्यालय गए थे। अरुण राजभर का कैमरा उन पर घात लगाए हुए था। वो जैसे ही बाहर निकले अरुण के कैमरे ने उनको कैद कर लिया। इतना ही नहीं, एक सतर्क रिपोर्टर की तरह उनसे सवाल भी पूछ डाले। खुद ही सुनिए अरुण ने अपने नेता से क्या सवाल किए। तो ये बताइए कि सपा कार्यालय में आप नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए थे ये बताइए। अरे भाई, हम अपने काम से यहाँ आप सपा कार्यालय में कौन सा काम? हम सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय त्रिवेणी राम आपको लेकर के सपा कार्यालय में? हम अपने काम से सपा के, वो हैं सपा में, अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय, हमसे क्या मतलब है? आप सतवा दिखाई दे रहे थे, आपका वही जूतवा है जो हम पटवा बनाए। गलत बता रहे हैं, आपका यही कोटिया है जिसमें हम बनाए हैं, वो गलत बता रहे हैं आप। बता दें कि महेंद्र राजभर की गिनती न सिर्फ सुभाषपा के कद्दावर और ईमानदार नेताओं में होती थी, बल्कि वह रिश्ते में ओपी राजभर के समधी भी लगते हैं। 2017 में बीजेपी और सुभाषपा गठबंधन से महेंद्र राजभर को ही मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। उस समय महेंद्र के लिए चुनाव प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे और मंच से उन्हें कटप्पा की संज्ञा देते हुए कहा था कि मऊ के बाहुबली मुख्तार को सिर्फ कटप्पा महेंद्र ही मार सकता है। सितंबर में सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर से नाता तोड़कर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली थी। महेंद्र के पार्टी छोड़ने के बाद सुभाषपा छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग गई थी। वहीं सुभाषपा लगातार सपा पर उनके नेताओं को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगा रही है। राजभर के बेटे ने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए यह स्टिंग किया। इसका वीडियो भी अरुण राजभर ने शेयर किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज उसका पर्दाफाश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया। आज मैंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है उदयवीर सिंह, उनकी गाड़ी में दो नेता जो हमारी पार्टी से छोड़ करके जो ठेका लिए थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, ये दोनों नेता उदयवीर सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी में कार्यालय में देखे जाते हुए देखे गए। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों नेता किसके इशारे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम कर रहे थे। ये किसके इशारे पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे कि मेरा कोई सपा से लेना देना नहीं है, मेरा कोई श्री अखिलेश यादव से लेना देना नहीं है, मेरा श्री उदयवीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं था तो फिर श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी से क्या लेने देने गए थे? तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह सौदेबाजी हो गई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए। जो षड्यंत्र रची जा रही थी वो भी पर्दाफाश हो गया है। अब समाज को यह समझना होगा कि ये जितने समाज के धोखेबाज हैं, समाज को लूटने वाले लोग हैं और समाज को कमजोर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से अब समाज सावधान हो जाए, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए कि इन लोगों ने सौदा कर लिया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर करने के लिए। अब समाज पूरी तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा हो गया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी बौखला करके इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज हमारे कैमरे के सामने वो दोनों नेता पकड़े गए। वो चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में भागते नजर आए। जैसे ही मेरा कैमरा उनके सामने पड़ा, वो दोनों नेता चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में मुंह छिपा करके ऐसे भागते नजर आए, जैसे लग रहा है कि ये कुछ चोरी करके भाग रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि समाज देख ले कि ऐसे समाज को बदनाम करने के लिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में भागते हुए ये दोनों दलाल नेता पकड़े गए। जो समाजवादी पार्टी के तरफ से षड्यंत्र सुभाषपा को खत्म करने का चल रहा था, वो भी जनता के सामने और समाज के सामने आज उजागर हो गया।